दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं जुबा कबड्डी तमिलनाडु का 109 नंबर मैच। बूस्टर राउंड का जो मैच जाएगा, ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और ये खेला जाएगा एकेसी वर्सेस एसआरएम के बीच में। रीसेंट फॉर्म प्लेयर पोजिशन और स्टार्टिंग सेवन के साथ बनाएंगे आपके लिए दोस्तों एक शानदार विनिंग टीम। मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टेलीग्राम पर जुड़ जुड़ जाएगा। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस मैच का जो फाइनल डिटेल रहेगा, फाइनल टीम रहेगा, आपको वहीं पर मिलेगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को आने वाली प्रेडिक्शन के लिए। तो आज का मैच अगर देखें तो लगभग दोनों टीमें सेम जाएंगी, एक जैसा परफॉर्मेंस लगभग इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का देखने को मिला है। एसआरएम का बात करें तो इसके पास है 48% का रेट स्ट्राइक रेट, 515 रेडें टोटल की हैं, 200 रेडें इसकी सक्सेसफुल जा रही है। डिफेंस में देखें तो 330 रेडें सॉरी टैकल इसकी टोटल हुई हैं, जिनमें 116 टैकल सक्सेसफुल कर रही है 35% के टैकल स्ट्राइक रेट के साथ खेलेगी। ये टीम एवरेज रहेगी रेड और डिफेंस दोनों में। अब तक 13 मैच खेल चुकी है एसआरएम की टीम, जिनमें 4 विनिंग आ रही है, 8 लॉस कर रही है, एक मैच इसका ड्रॉ देखने को मिला था। तो इसके इंपॉर्टेंट एरिया हम टीम में कवर करेंगे। इसके साथ एक ही से केसी का रिकॉर्ड देखें, बिल्कुल सेम जा रहा है। इसके पास 53% का रेस ट्रैक रेट है, जो कि 5% ज्यादा है एसआरएम के मुकाबला में। टैकल में देखें तो थोड़ा सा नीचे है, 2 कदम नीचे है। एसआरएम के पास देखें तो 35 का टैकल स्ट्राइक रेट था और इसके पास जो सक्सेस रेट है वो है 33% का। बट पॉइंट टेबल पर दोनों टीमें सेम है, ठीक है। यहां से 13 इसने खेला है, 4 विनिंग, 8 लॉस और 1 ड्रॉ जे भी टीम खेल रही है, ठीक है। तो पॉइंट टेबल पर लगभग दोनों टीमें हैं। तो आज के मैच के लिए आपको भाई खेलना है डबल साइडर। और अगर स्टार्टिंग सेवन में देखें, एकेसी टीम जो चेंज कर सकती है भाई, जैगन दैना सिंकर अगर खेलने आते हैं तो ये रिप्लेस करेंगे जॉनसन को, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड के रेडर हैं, तो दोनों में से कोई एक आपको खेलता मिलेगा। जैगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है, 66% का रेट का स्ट्राइक रेट आ रहा है, खेलेंगे तो भाई मिस मत कीजिएगा। फिलहाल जो ज्यादा चांसेस बनेंगे वो जॉनसन के भी हो सकते हैं, मैं दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अगर दोनों में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो वो लेफ्ट हैंड पर ही डिफेंस करेगा और लेफ्ट साइड से आपको रेड करता नजर आएगा। और ओवरऑल देखें तो शैन वैगन से बिल्कुल मिडल में डिफेंस करेंगे, अर्जुन मिथुन ये कवर पर खेलेंगे लेफ्ट के, और इसी के साथ जॉनसन लेफ्ट के रेडर होंगे और लेफ्ट साइड से आपको खेलते नजर आएंगे। जेगन खेलेंगे तो वो भी यहीं पर खेलेंगे। मनोज मोगन जी आपको लेफ्ट कॉर्नर पर डिफेंस करते नजर आएंगे। राइट साइड देखें तो मोगन कन्नन खेल रहे हैं राइट कवर के ऊपर, मणिकंदन जाया जी बिल्कुल राइट एंड पर डिफेंस करेंगे, कार्तिक कुमार जी आएंगे भाई राइट के कॉर्नर के ऊपर। तो राइट साइड के रेडर रहेंगे यहाँ से, हाँ शैन वैगन करेंगे और मणिकंदन जिया करेंगे राइट साइड से, ठीक है। और सैस पर नजर डालें, इसके रेडर दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से जॉनसन काफी इंपॉर्टेंट है, 56% का रेड में स्ट्राइक रेट आ रहे हैं इनके पास, जो कि सक्सेस है, काफी ज्यादा बढ़िया है। और मणिकंदन भी अगर 10 रेड करते हैं तो सी का सक्सेस रेट इनकी तरफ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। रेटच ज्यादा लेते हैं, 10+ का रेटच आपको इजिली इनका भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शैन वैगन जे एक एवरेज प्लेयर है, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर खेलेंगे तभी ट्राई कीजिएगा। बट जहां से कवर देखें तो मणिकंदन कन्नन इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया खेलते हैं, 40% का टैकल स्ट्राइक रेट आ रहा है। इस साइड से ये तीन प्लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और कार्तिक कुमार मनोज एम जी दोनों में से आप किसी एक को ट्राई कर लीजिएगा सेम टीम के लिए। अर्जुन मिथुन को ज्यादा मौका मत दीजिएगा, जे उतने ज्यादा सेफ नहीं है भाई, ठीक है। इन्हें कम खेलने का मौका मिलेगा, हो सकता है सब्स्टिट्यूट के पिक में बाद में इन्हें रखा जाए, ठीक है। तो यहां से जे प्लेयर इंपॉर्टेंट बनेंगे, बाकी टीम आते टाइम आपके साथ क्लियर करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एसआरएम की टीम के बारे में। इसका जो पॉसिबल स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल सकता है उसमें अश्विन आ सकते हैं, सूर्य प्रदेश जो खेलेंगे बिल्कुल लेफ्ट कवर के ऊपर, डी कन्नर शर्मा खेलेंगे लेफ्ट इन के ऊपर, और कॉर्नर होगा भाई विक्रमा शिवा के पास में। राइट साइड देखें तो यहाँ से भाई प्रगदेश खेलने आ रहे हैं, हाँ लास्ट सीजन काफी बढ़िया खेले थे। संजय रजिंद्रा खेलेंगे और थैगवेल जेन बड़ा नाम है भाई जो आपको राइट कॉर्नर पर देखने को मिलेगा। राइट साइड के जो रेडर रहेंगे यहाँ से संजय हैं, लेफ्ट साइड से डी कंदा स्वामी करेंगे और न्यूट्रल होकर रेड करते हैं अश्विन जी, लेफ्ट और राइट दोनों से रेड कर लेते हैं भाई। तो इस टीम के पास जो रेडर हैं इसे काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे, जिनमें अश्विन आ रहे हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से संजय हैं जी, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। कंदा स्वामी थोड़े से ट्राइबल प्लेयर होंगे, बट मैं बोलूंगा थेगवेल को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये राइट कॉर्नर पर काफी अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी विक्रमा शिवा अच्छा प्लेयर है आपके पास, और प्रगदीश है, ये दोनों में से किसी एक को आप सेम टीम में रख लीजिएगा, दोनों को सेम टीम में ट्राई मत कीजिएगा। सूर्य प्रदेश जे भाई रिस्की है, अगर आप ग्रैंडली के लिए कोई रिस्की टीम क्रिएट करेंगे तो उसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन ज्यादा नहीं है, अगर अच्छा खेलेंगे तो आपको रैंक करने का जो मौका है वो मिल जाएगा। दोस्तों अभी बात करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन विनिंग टीम के बारे में, चलिए आपको सीधा ले चलता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर।
दोस्तों अगर आज की प्रेडिक्ट टीम का बात करूं तो मैं बिल्कुल डबल साइडेड खेला हूं, जैसे मैंने पहले बोल दिया था कि आज आपको भी डबल साइडेड खेलना है क्योंकि टीमें दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, तो विनिंग क्लियर नहीं हो सकती कि कौन सी टीम आज विन करेगी। फिलहाल अगर बात करें डिफेंस की तो यहां से मैं विक्रमशिंघे को ट्राई करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पिक्स आएंगे। एम कन्नन आ रहे हैं और थंगवेल खेलेंगे मेरे लिए राइट कॉर्नर पर, काफी अच्छा खेलते हैं, पुशिंग ऑर्डर काफी ज्यादा बढ़िया है, तो ये तीन प्लेयर यहाँ से मैं ट्राई करूंगा। इसी के साथ अगर ऑलराउंडर का बात करें तो शाया वर्गन आ रहे हैं, बिल्कुल रेडर काफी ज्यादा अच्छा है इनका, और डी कांदास्वामी आ रहे हैं। अगर आप दोनों में से किसी एक को रखेंगे तो डी कांदास्वामी को ही ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अगर रेड देखें तो दोनों टीमों का काफी अच्छा है, तो दो रेडर कम से कम ट्राई कीजिएगा, जिनमें जिंद्रा आ रहे हैं, जे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और जहाँ से भाई जे दाना शक्कर खेलेंगे मेरे लिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज कैप्टन की बात करें एसएल और हेड टू हेड के लिए, तो दाना शक्कर को बीसी बना सकते हैं, चाहो कैप रख सकते हैं, और डी कांदास्वामी ये बेटर ऑप्शन है दोनों ही भाई। ठीक है, ग्रैली के लिए आप रजिंद्रा को मौका दे सकते हैं, बर्गन काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और एम कन्नन और थंगवेल जे काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। और बाकी अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर कोई चेंजेस नहीं होता है तो इसी टेक्टिक के साथ खेलेंगे आज का मैच, और हम 100% वॉन।